बाहर आके अच्छा तो फील हो रहा है क्योंकि अभी तो फिलहाल में मैं यहीं पर हूँ मुंबई में, तो अभी कुछ काम वगैरह के लिए स्टार्ट करने वाली हूँ, तो बस अच्छा लग रहा है। बट थोड़ा सा ऐसा है कि मुझे जिस तरीके से मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी जल्दी निकल आऊँगी, क्योंकि मैं बहुत उसमें शो में बहुत कर रही थी, तो वो मेरे को अंदाजा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी आऊँगी। कोई कहती वजह जिसके कारण बाहर आना? कोई वजह नहीं है, बट लोगों का घर में माहौल थोड़ा सा ऐसा था मेरे लिए कि मैं मुँह पे बोलती थी तो लोगों को पसंद नहीं आता था, तो इसलिए मैं बाहर। और कोई ऐसा कंडीशन आपको नजर आ रहा है अभी कि यार ये जबरदस्ती लोगों से लड़ भी रहा है और पूरा माहौल खराब कर रहा है? अभी तो सना है, सना उस टाइप की लड़की नहीं है, बट उसको बना रहे हैं लोग कि तुम झगड़ा करो। कल की भी एपिसोड में देखोगे तो लोग बोलते हैं उसको, अब कब बोलोगे, अब कब बोलोगे। भाई वो नेचर की ऐसी है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ रखेगी, क्यों जबरदस्ती उसको ऐसा कर रहे हैं। अब घर के अंदर से मुनावर को लेकर आपका क्या कैसा बनता है? अब बंदा तो पता नहीं कैसा है, बट मेरे लिए वो सही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, इनफैक्ट मैं सबके लिए बोलूँगी कि मुझे ऐसे लोग पर्सनालिटी के पसंद है जो अपनी नेचुरलिटी जो है वो दिखाएं। पीछे से ऐसे नहीं कि ओके तुमने गलती की है कोई बात नहीं, आप उसकी गलती का रियलाइज़ दिलाओ, मतलब दब के मत रहो। नॉमिनेशन से तो वो नॉमिनेशन से बच रहा है, तो इस वजह से ऐसा है। अभिषेक कुछ भी कर लेता है वो। हाँ। और ऐसा कोई है तुम्हारा जो वहाँ की टक्कर देने वाला है, आपको लगा कि हाँ ये मेरे लिए कॉन्फिडेंट होगा, टक्कर का होता है? मेरे टक्कर का तो कोई भी नहीं था, क्योंकि मेरे को अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट है। पहली बात तो मैं बुद्धि से झगड़ जाती, और दूसरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, बस मेरे को जो झुका सकता है वो है प्यार, और तो फिर कुछ नहीं। और बात करो थीम की, तो थीम के साथ क्या होती है, किस तरीके की आपके अंदर जाकर अपने माइंडसेट बनाने की वो देखेगा उसके बाद? मैं जैसे कि मैं दिल के घर में अभी तक नहीं गई थी, तो मेरा दिल वाला भी घर है और दूसरा मेरा दिमाग वाला भी है कि मैं दिमाग में मतलब लोगों से काम कराना कैसे है, कैसे उस सिचुएशन को संभालना ज़रूरी है, तो वो भी मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और दम की बात करें तो दम मेरे अंदर बहुत है, क्योंकि मैं झुकती नहीं। वैसे तो सब में ही दिल है, बट ऐसा तो कोई भी नहीं है, सबके अंदर दिल है। दम की बात करूं तो कोई ऐसा है जो बिना दम के आ गया है? तहलका। ऐसा क्या नजर आया? क्योंकि वो बोलता बहुत है, और वो अपने जब आप देखोगे गौर से, तो मैं एक उसमें बोल रही हूँ, अभिषेक काम नहीं कर रहा था, तो मैंने उसको बोला प्लेट पे ऐसे करके कि कोई काम मतलब जो एक काम नहीं करेगा तो सब काम नहीं करेंगे। तो वो अरुण को तैयार करता है, क्या करना है अरुण, क्या करना है अरुण, अरे अरुण को क्या करना है, तू बता तुझे क्या करना है। तो वो दूसरे का पहले देखेगा कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, फिर आगे बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो जब आपके दिमाग में थॉट है कि ये गलत है तो गलत पे आओ ना तुम, तो वो ऐसा ही है। बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट मैं यूट्यूब वालों को बोलूँगी हम लोग एक ही है, और ऐसी दिमाग में थीम मत लेके आओ कि वो सेलिब्रिटी हैं, ऐसा कुछ है। कभी ऐसा लगे वो सेलिब्रिटी है, कभी आके बात तो करो उनसे, और तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि सेलिब्रिटी में और यूट्यूबर में कोई अंतर नहीं है। इस घर के अंदर लंबी रेस की घोड़े पे बात करें तो कौन? विकी भी जाएगा क्योंकि मसाला तड़का बहुत है, और अंकिता, खानजादी, मुनावर, तो ये लोग आगे के हैं। और क्या जल्दी घर से बाहर किसे देखना? अभी मैं देखना चाहूँगी तो मैं तहलका को और उन लोगों को देखना चाहूँगी, क्योंकि वो उतना नहीं है, उतना इनपुट नहीं डालते गेम में, वो बस सोते रहते हैं, कुछ नहीं करते। घर के अंदर जो सदस्य हैं आप अपने तरफ से क्या बोलना चाहते हैं? अंदर में जो है, मैं खानजादी को थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि वो जैसा खेल रही थी उसको उसी खेल में रहना चाहिए, क्योंकि जितना दिमाग वाले घर में जो प्लानिंग करने वाला बंदा है वो इंसान को शांत कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए। जैसे कि मुनावर बोलता है कि देखो आप ज़्यादा आतंक करोगे तो नॉमिनेशन में चले जाओगे। मेरा तो ऐसा ही पर्सनालिटी है, नॉमिनेशन में डालना है डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर इंसान को घर पे आना ही है, तो मैं भी आ जाऊँगी। बट अपनी पर्सनालिटी ऐसे थोड़ी, मैं डरपोक वाली थोड़ी ना हूँ जो मैं डर जाऊँगी, मैं तो जैसी हूँ वैसी खेलती हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अक्सर जो भी बाहर आता है उसके सबसे पहले बाहर कोई ना कोई काम आता है, कुछ आपकी तरफ से भी ऐसा है सबका मैसेज करते हुए प्रोजेक्ट में कुछ? हाँ मतलब बातचीत चल रही है, जब तक आएगा नहीं। मैंने बताया ना मैं फेक बातें करना पसंद नहीं है, जब आएगा तो डेफिनेटली सबको पता चलेगा। और ऐसे नहीं कि हाँ हम ये करने वाले हैं हम वो करने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ का हम वेट करेंगे। मुझे खुद भी नहीं पता होता, वो चीज़ें हो जाती तो मैं आपको वेट करने के लिए बोलूँगी। हाँ मुझे बाहर आके थोड़ा सा पता चला कि लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। और डेफिनेटली मैं चाहती थी कि मैं अच्छा खेलूं, अच्छा इंटरटेन करूं लोगों को और अपने मुद्दे पे रहूं कि मैं झुक के काम ना करूं। बट लोगों का घर का डिसीजन था, इस वजह से मैं बाहर हो गई। और थैंक यू, लोगों का मुझे इतना प्यार मिल रहा है उस चीज़ के लिए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.